अमर रहे, अमर रहे महाराजा, इज्जत रखो हरि सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे हरि सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे हरि सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे दो हमारे घर दो हमारे घर दो हमारे घर महाराजा हरि सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे हरि सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छुट्टी दो 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 की छुट्टी दो महाराजा हरि सिंह जी, अमर रहे महाराजा हरि सिंह जी, अमर रहे महाराजा हरि सिंह जी, अमर रहे। के लोगों के दिलों में वो हमें बयान करने की जरूरत नहीं है। जम्मू संभाग के लोगों की भावनाएं जिस तरीके से जुड़ी हुई है महाराजा हरि सिंह जी के साथ या डोगरा डायनेस्टी के साथ, वो उस पर बयान करने की हमें जरूरत नहीं है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, आश्वासन देने के बाद झूठ बोलना सरकार को ये मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। सरकार के उच्चतम अधिकारी जब आगे यहां पे आश्वासन देते थे और ये कहते थे कि छुट्टी की जाएगी, राजनीतिक संगठन जो इस समय पावर में है, केंद्र में भी है और यूटी में भी है, उनके आश्वासन के भी ये पलटी मारने का काम, ये बिल्कुल घोर निंदनीय है, इसे सहा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार को इतने बड़े दिवस पे कोई भी राजनीति ना करते हुए जो सम्मान महाराजा हरि सिंह जी डिजर्व करते हैं उसे लौटाना चाहिए। 370-35 से खत्म हुआ, वो ताकतें भी धराशायी हुई, खत्म हुई जिन्होंने उनका अपमान किया था। मुझे लगता है कि अब पोजीशन को रिस्टोर किया जाना चाहिए और जम्मू संभाग के लोगों की भावनाओं के साथ आगे फर्दर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सरकार को तत्काल प्रभाव से एक नोटिफिकेशन निकाल के कैलेंडर में अमेंडमेंट करके उसमें 23 सितंबर की छुट्टी डाली जानी चाहिए ताकि जम्मू संभाग और देश का हर वो व्यक्ति जो देश में विश्वास रखता है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का है, उसे संतुष्टि मिले, उसे चैन मिले। धन्यवाद। अब जो हमारा है, अब राजपूत आगे आएंगे सब लोगों को साथ लेके जो हमारी हिस्ट्री है। अब हमारे जो प्यार करने का वक्त खत्म हो चुका है, जो लारे लप्पों का वक्त खत्म हो चुका है। 10 तारीख को हम जो सब लोगों से जो जम्मू के डोगरों से प्यार करते हैं, जो जम्मू के डोगरों के लिए बात करते हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि 10 तारीख को इसी स्टैचू के सामने आके बैठ जाइए। और खास करके जो इनके बगवादारी जो लीडर हैं उनसे भी बोलते हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो कृपा करके आप ही हाथ जोड़ के यहाँ पे आ जाइए। छुट्टी जो गवर्नमेंट देगी बड़ी जल्दी इनको छुट्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अब मांगने का वक्त चला गया है, अब हम छीन के लेंगे बड़ी जल्दी। यहाँ पे 10 तारीख को हमने बोल दिया है, 10 तारीख को युवा राजपूत सभा सारे जम्मू के डोगरों को साथ लेके, जो हमारे जो बड़े भाई आज आपने देखा है जम्मू की जो आवाज़ है, आज हम बड़े खुले दिल से इनका स्वागत करते हैं, पगड़ी पहना के इनको सम्मानित करते हैं कि इन्होंने जो हमारी महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी की मांग थी इनके साथ इन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाने का जो निर्णय लिया है, हम तहे दिल से इनका शुक्रिया करते हैं। इसी तरह हम सब लोगों से जम्मू के डोगरों से अपील करते हैं कि बंद दरवाजे से या दबी जुबान से बंद करने बात करना बंद कीजिए और खुल के महाराजा हरि सिंह जी के मुद्दे पे सामने आ जाइए। और 10 तारीख को इसी जगह टेंडर लगेगा तो ठीक है, अगर नहीं लगाने देंगे तो खुले आसमान के नीचे भी युवा राजपूत सभा यहीं पे बैठेगी जब तक छुट्टी नहीं होगी, जहां से टस से मत नहीं होगी। ये जो पार्टी है, खास करके जो इनका दस्तूर बना हुआ है, ये जो मांगते हैं कुर्बानियां, अगर हमको बोल दीजिए कि अगर हम आपने कुर्बानियां चाहिए तो सबसे पहले ये जो 3 बंदे खड़े हैं इनकी कुर्बानी ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए। यही बात है कि आज हम आपके मंच से ये कहना चाहते हैं कि कुर्बानियों की बात आएगी तब भी हम आगे हैं, लड़ने की बात आएगी तब भी हम आगे हैं, लेकिन जो प्यार हमने पिछले 8 साल से आपसे किया है, उसका जो आपने अपमान किया है खास करके जम्मू के डोगरों का, इसका बदला लेने के लिए अभी हम सड़कों पर उतरेंगे और आपसे आपकी भाषा में बात जो है 10 दिन के बाद इसी जगह से करेंगे।